Dear students, welcome in SNS Maths class. So students of class 9th, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ज्योमेट्री का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स से आपके जो आपका जो सिलेबस है उसमें सेकेंड टॉपिक लाइन एंड एंगल्स के नाम से होगा. जो फर्स्ट टॉपिक है वो इक्लूड इन ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू इक्लूड इन ज्योमेट्री के नाम से होगा. सो सेकेंड टॉपिक लाइन एंड एंगल्स है और आज हम उसी को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक लाइन एंड एंगल्स. दिस इज़ अ लेक्चर वन. हम लोग इसको दो या तीन लेक्चरों में, टू और थ्री लेक्चर्स में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो ना, बेटर टू कीप बुक पेपर पेंसिल विद यू, क्योंकि अगर ये सब लेके बैठेंगे तो आप वहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और सर पढ़ना, वो जो लर्निंग है पढ़ना उसी को कह पाएंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल्स. बट बिफोर वी लर्न दिस लाइन एंड एंगल्स ना, इट इज़ बेटर टू लर्न सम बेसिक टर्म्स. कुछ बेसिक टर्म्स को पहले हम लोग लर्न कर लेते हैं जो हमें हेल्प करने वाला है. वैसे भी इस टॉपिक का नाम लाइन एंड एंगल्स है. सो बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल टॉपिक, हमें जो प्रीवियस क्लासेस में हमने 6, 7, 8 में जो पढ़ा है, हमने जो भी डेफिनेशनें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाने से हम इस टॉपिक को और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे. सो बेसिक टर्म्स में मेरा मतलब है पॉइंट, लाइन, रे, लाइन, सेगमेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि इक्लूडिंग ज्योमेट्री के टॉपिक में ऑलरेडी हम लोगों ने पॉइंट, लाइन इनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है. और इतना ही नहीं, वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा हमें कि जो पॉइंट है ये एक तरह से नॉट डिफाइंड टर्म है. दीज कैन नॉट बी डिफाइंड. यानी ज्योमेट्री के अंदर इसको, पॉइंट को, लाइन को, प्लेन को, ये लाइन है, पॉइंट है. और नॉट ओनली दिस, वन मोर थिंग, दैट इज़ प्लेन. दिस इज ऑल्सो ए नॉट डिफाइंड टर्म. ऑल दीज आर नॉट डिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इक्लूडिंग ज्योमेट्री में इसको डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर हम उसके बेसिक में नहीं जाएंगे. हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर जो है वो रिलेटेड है लाइन एंड एंगल से. सी अगेन, लाइन का जो मतलब होता है ना, लाइन से, लाइन रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है. जब हम लाइन बोलते हैं, सो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये दोनों साइड में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसको चाहे तो ऐसे प्रोड्यूस करते हुए इन्फिनिटी ले जाएंगे और ये इस साइड में ऐसे प्रोड्यूस करते हुए इन्फिनिटी तक जा सकती है. सो इसको तो हमने लाइन कहा है ना. दैट मीन इट कैन मूव ऑन बोथ साइड. सो लाइन के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट. इसका हमें ये नहीं पता ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और साथ में इसका एंड पॉइंट नहीं है, है ना. एंड पॉइंट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. दैट मीन लाइन के अंदर ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है हमारे पास. जस्ट अ मिनट. ओके, तो ना तो हमें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, ना ही हमारे पास एंड पॉइंट है. ना सेकेंड वन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है रे, है ना. अब रे का क्या मतलब है? रे मीन्स हेयर. इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना. इट हैज़ सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट. यानी हमें ये पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा. सपोज़ एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से और इट मूव्स लाइक दिस. अब ये इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी जा सकता है. यानी ए से स्टार्ट हुआ, हम ए बी लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम बी से आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक. तो ये एक्चुअली एग्जांपल हो गया रे का. दैट मीन इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसके अंदर एंड पॉइंट नहीं है. और लाइन सेगमेंट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. ये लाइन का एक पार्ट होता है और इसके अंदर ये दोनों होंगे. दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अगर हम जब लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसके अंदर एंड पॉइंट भी होगा. यानी अब हमने जैसे ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक लाइन और ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे ख़त्म हो जा रहा है. यानी लाइन सेगमेंट जो है किसी एक लाइन का ही पार्ट है. जनरली ना क्या होता है कि इवन जूनियर क्लासेस में या हम लोग क्लास में कई बार क्या होता है कि लाइन सेगमेंट बोलने की जगह बार बार लाइन सेगमेंट बोलने की जगह हम लाइन ही बोल जाते हैं. सो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लाइन सेगमेंट को लाइन ही यूज़ करते हैं. ओके, बट एक्चुअली लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट आर थ्री डिफरेंट थिंग्स. ये तीन अलग चीज़ें हैं.
लाइन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। रे स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसके अंदर एंड पॉइंट नहीं है, और लाइन सेगमेंट जिसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होगा। ओके सो नेक्स्ट वन इज, यानी एक तो हमें आइडिया हो गया कि लाइन क्या है, तो हम कुछ और बेसिक टर्म्स पे आते हैं, दैट इज अवर एंगल। नेक्स्ट वन इज एंगल। सी अगेन एज फार एज एंगल इज कंसर्न, क्लास सिक्स में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सो क्लास सिक्स में हम लोग क्या हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास टू रेज है ना, सपोज वी हैव टू रे, एक रे ए टू बी और एक और रे जो इसी ए से ही स्टार्ट होता है, यानी दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ए बी और ए सी, देन व्हाट वी से कि इट फॉर्म एन एंगल, ये एक एंगल बनाता है ना। इसमें जहाँ से दोनों दोनों ही रे स्टार्ट हो रहे हैं, वी कॉल इट अ वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल का। और ये जो रेज है दोनों, इसको हम लोग कहते हैं एंगल्स की आर्म्स। सो दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। सो ये बेसिक डेफिनेशन है, हम लोग इस डेफिनेशन को आगे चल के क्लास 11 में बदलने वाले हैं, है ना, थोड़ी से जरूरत के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो अभी ये ठीक है डेफिनेशन इस क्लास के लिए। अब ये एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल। सो हमने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ये एंगल की टाइप है, ये एक्चुअली मेजरमेंट के हिसाब से ये टाइप्स हम बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा एक्यूट एंगल, एक्यूट मीनिंग कोई भी एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये 180 के इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल ये ग्रेटर देन 180 होगा, 180 से बड़ा होगा। और कंप्लीट एक्चुअली हम लोग 360 बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, सी अगर एक लाइन ले लेते हैं और हमने एक दूसरा रे लिया है, दो रे लिए हमने, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ए बी और ए सी, सो केस क्या होगा, अब ये अभी एक एक्यूट एंगल हो रहा है, लेकिन जब क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये हम राइट एंगल बोलेंगे। अब इसी को ऐसे ही अगर एंगल को ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे तो वापस ये यहीं पर पहुंच जाएगा और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो जब ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट एंगल, एंगल हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे नहीं जाएगा। ओके सो नाउ एक चीज़ ध्यान रखना है कि वट एवर वी आर लर्निंग ना, ऑल दीज आर फॉर प्लेन ज्योमेट्री, क्योंकि अभी हम क्लास 9 की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे जो क्लास 11 में पढ़ना है, जिसमें हम एंगल्स को नेगेटिव एंगल भी बोलेंगे और 360 डिग्री से बड़ा एंगल भी होगा और डिग्री हम रेडियंस यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी क्लास 9 के ज्योमेट्री को स्टडी करना है। सो अभी हम उन बेसिक चीज़ों को एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं जो हमें हेल्प करने वाला है क्लास 9 की ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। ओके सो नेक्स्ट वन इज, कुछ और बेसिक टर्म्स हमें जो पता होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल्स कैसे हैं, है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल एंगल क्या है। सी अगेन, अगर हम क्या करते हैं, टू एंगल्स लेते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सपोज यू हैव टू एंगल्स और उन दोनों एंगल का सम जो है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, वी कॉल देम कंप्लीमेंट्री। सपोज एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। एंगल ए बी का कंप्लीमेंट्री है और बी ए का कंप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री के लिए जो सम है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन अगेन, इफ टू एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी है हमारे पास, सपोज वी हैव टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, और उन दोनों का सम जो है अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एंगल सप्लीमेंट्री है, एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट्री है और बी एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट्री है। नाउ कम्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल। एज द नेम सजेस्ट, अगर टू लाइंस ले लें हम लोग, तो वो लाइनें क्या होंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे। सी लाइंस के लिए केसेस क्या हो सकते हैं, लाइंस पैरेलल हो सकता है, लाइन अगर टू लाइंस लेंगे तो लाइन कॉन्साइड करेगा, ये एक के साथ ही एक लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, एक साथ दोनों लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, अभी कॉन्साइड नहीं ड्रॉ कर पाए हम लोग। एंड द अनदर वन इज कि अगर एक प्लेन के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। हम लोग जनरली बोलते भी हैं कि ना, लाइन या तो पैरेलल्स होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती है, कौन साइड लाइन, तो दोनों एक जैसी दिखेंगी तो उनको क्यों कहा जाए। सो लाइंस क्या है, या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। अगेन, जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर दूसरी किताबों से थोड़ा पढ़ा होगा और एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, तो वो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे
कि ऐसी भी लाइनें होती हैं, क्योंकि कई बार क्लास में कहता है ना कि सर ऐसी भी तो लाइनें होती हैं जो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, जिसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सो अगेन वो हम स्पेस में बात करते हैं ना, जब हम स्पेस की बात करेंगे तब हम स्क्यू लाइंस पे आएंगे। अभी हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो एक प्लेन के ऊपर जब आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे तो या तो वो दोनों पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। अब इस इंटरसेक्टिंग लाइन को देखें, अगर ये पॉइंट ओ है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक हम ए बी ले लेते हैं और एक सी डी लाइन लेते हैं, सो नाउ एक एंगल ये। अब इन दोनों एंगल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और एक ही वर्टेक्स पे बना हुआ है, एक वर्टेक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। सो ऐसे एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। सिमिलरली ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, क्योंकि अगेन क्या है कि ये दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं और साथ में एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये थ्री बेसिक टर्म्स हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम आगे और कुछ और बेसिक टर्म्स पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसमें से एक हमारा है एडजसेंट एंगल, है ना। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंगल इज एडजसेंट एंगल। अब एडजसेंट एंगल की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजसेंट, नंबर वन इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी दोनों एंगल का एक वर्टेक्स होना चाहिए, उन दोनों में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। नहीं, एंगल एडजस्टमेंट कब होगा कि पहले तो उनमें वो एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन उनका वर्टेक्स होना चाहिए, उनके अंदर एक आर्म कॉमन भी होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो डिफरेंट साइड, वो जो है कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एंगल्स को हम लोग देखते हैं। सी, इनके कुछ नेम रख दें। सपोज ये ओ से स्टार्ट हुआ है, एक लाइन हमारी रे ओ ए है, अनदर इज ओ बी एंड ओ सी। ना लेट मी आस्क आउट सम ऑफ द एंगल्स। सी, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यानी हमने जिन एंगल्स को लिया वो एंगल क्या हो गया, एक एंगल हो गया हमारा बी ओ ए, और दूसरा जो एंगल हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है सी ओ बी। नाउ वी हैव टेकन टू एंगल्स, वन एंगल इज एंगल बी ओ ए एंड अनदर वन इज सी ओ बी। अब इन दोनों एंगल में देखिए, ये जो येलो लाइन है ना, द फर्स्ट वन, ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है उनका, दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स ओ से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के लिए ओ बी कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है, जो बाकी दोनों आर्म है, वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। सो दैट मीन दीज टू एंगल्स आर एडजसेंट एंगल, ये दोनों एडजसेंट एंगल है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे लेता हूँ, एक एंगल मैंने ले लिया सी ओ ए और दूसरा एंगल ले लिया बी ओ ए। नाउ यू सी दीज टू एंगल, सी ओ ए का मतलब एक एंगल हमने ये ले लिया है और दूसरा हमने एंगल यही रखा है। सी अगेन इन दीज टू एंगल, दैट मीन इस एंगल और इस एंगल में अगेन दोनों एक ही वर्टेक्स पे हैं, ओ पे, दोनों में एक कॉमन आर्म है, कौन सा आर्म इज दिस टाइम कॉमन है, ओ ए इज कॉमन। अब इन दोनों में देखिए ना कि कौन सा आर्म कॉमन है, तो सिंपली ओ ए यहाँ पर कॉमन दिखाई दे। कॉमन का क्या मतलब है कि दोनों एंगल में एक लाइन होनी चाहिए, तो ओ ए लाइन दोनों एंगल के अंदर है, लेकिन जो बाकी दोनों लाइनें हैं वो ओ ए के एक ही साइड में है। सो दैट मीन थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल एडजस्टेंट नहीं है। इट मीन ये एडजस्टेंट नहीं है और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टेंट एंगल। आइए कुछ और एंगल पे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एंगल्स लर्न कर लिया है, हमने एंगल्स के बारे में जानकारी ले ली है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ एंगल। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स हेयर क्या है, सी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग, है ना, एज यू सीन एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक और लाइन को, यानी एक लाइन है दूसरा रे है ना, उसको हम स्टैंड करते हैं उसके ऊपर। अगर वो उसके ऊपर स्टैंड करता है तो जो दो एंगल फॉर्मिंग हो रही है, एंगल मतलब सी एक लाइन हमने सपोज करो कि हमने ले लिया ए बी, ओके ये ए बी है और ये एक और जो है वो ओ सी है। सो नाउ एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, सो दिस इज द पेयर ऑफ एंगल्स ना, एंगल ये दोनों एंगल। अब इन दोनों एंगल का सम कितना है, इस डायग्राम में हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एंगल ए ओ सी में अगर एंगल सी ओ बी को ऐड कर दें तो उनका सम 180 होगा, नहीं। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम फील कर रहे हैं ना कि अगर एक लाइन है तो स्ट्रेट एंगल होगा,
अब एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन को डाला जाए, जैसे ए बी एक लाइन है और हमने उसको ऊपर क्या किया, एक ओसी लाइन डाल दिया, तो ओसी जैसे ही लाइन आया तो उसने क्या किए, उसने दो एंगल बना दिए। इज इट बोथ द एंगल्स आर एडजेसेंट इस डायग्राम में? यस, दोनों का कॉमन, एक ओ इज ए वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, ओ सी इज ए कॉमन आर्म, एंड द अनदर टू आर्म्स नॉन कॉमन आर्म दैट इज ओ ए एंड ओ बी आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ ओ सी, सो दे आर एडजेसेंट ऑल्सो, ये एडजेसेंट भी है। सो अब इस केस में क्योंकि इसको प्रूफ नहीं करना है, सो लेट अस कंसिडर एज ए एक्जियम, इसको हम एक एक्जियम कंसिडर कर लेते हैं। और वो एक्जियम क्या हो जाएगा कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री, है ना, वो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। यानी एक इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री, इज इट? सो अब एग्जिम क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं ना, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं 180 डिग्री एंगल होता है ना, तो हम तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे को पुट करके एंगल्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली 180 होना चाहिए। सीधा अनदर वन, हम इसी को ना एक रिवर्स फॉर्म में हम इसी एग्जिम को ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट मीन इसका इसको हमने अपोजिट तरीके से बोलने की कोशिश की है, इसका कन्वर्स बोलने की कोशिश की है कि इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर हमारे पास टू एंगल है और उनका सम जो है वो 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, इसका सिर्फ रिवर्स बोल रहे हैं, इसका कन्वर्स बोल रहे हैं, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर एग्जाम। सो ये हमारे दोनों एग्जाम हमारे बुक में मेंशन है और इसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हम आगे जो थियोरम्स करेंगे हो सकता है कि दीज टू एग्जाम विल हेल्प अस इन प्रूविंग द थियोरम, हम जब थियोरम को प्रूव करने की बारी आएगी तो ये आपको हेल्प भी करने वाला है। द अनदर थिंग इज कि ये जो दोनों एग्जिम्स है, क्योंकि इन दोनों एग्जिम्स को हम लोग, क्योंकि लीनियर पेयर से रिलेटेड है, सो वी कॉल इट लीनियर पेयर एग्जिम्स, क्योंकि आपको याद होगा कि टू एंगल्स जिनका सम 180 है, हमने उसका एक और नाम रखा था लीनियर पेयर एंगल्स से, जरा इससे को कंपेयर करके देखिएगा, तो इन दोनों एग्जिम्स को हम लोग लीनियर पेयर एग्जिम बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टेकन टू एग्जिम्स, यानी अब तक हमने क्या किया, हमने लाइन लाइन को डिफाइन कर लिया, हमने एंगल्स को डिफाइन कर लिया, हमने डिफरेंट टाइप के एंगल्स को डिफाइन कर लिया, और अब हमने टू एक्सियम्स को भी डिफाइन कर लिया है। सो नेक्स्ट हम एक थ्योरम पे आते हैं, है ना। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आवर बुक, हम अपनी बुक की पहली थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पर। सी, ज्योमेट्री जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, कि हमने डेफिनेशन लिया, डेफिनेशन के बाद अगर हमें किसी एग्जिम की जरूरत है चलो हम एग्जिम पे आते हैं, और अगर हमारे पास एग्जिम आ गया तो अब हम आते हैं अपने थ्योरम के ऊपर। सो इस थ्योरम के अंदर क्या है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम ये कि अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था, लेकिन हमें हमने ये नहीं प्रूव किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, इट सीम्स टू बी इक्वल, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि सो डायग्राम में आपको टू एंगल्स नजर आ रहा होगा और साथ में आपने देखा कि मैंने गिवन टू प्रूव ऑफ प्रूफ लिखा है। सो जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करेंगे तो एक तो क्या करना है, हमें गिवन लिखना है कि इसके अंदर गिवन क्या है। सो गिवन पार्ट हमारा क्या हो गया, सपोज कि एक लाइन मेरे पास ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है और दे इंटरसेक्ट एट ओ, है ना, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज अवर गिवन पार्ट। गिवन पार्ट क्या हो गया कि लाइन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया है ना। सो वो भी लिख सकते हैं कि एंगल, हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, अब बी ओ डी मतलब कौन सा एंगल क्या, हमने बी ओ डी इसको हमने ना, अब ये किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल, ये एंगल सी ओ ए, सो दीज आर वर्टिकल अपोजिट। सिमिलरली अदर टू आर ऑल्सो देयर ना, ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो किसी एक के लिए प्रूव कर लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी ओ डी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ ए के। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल है बी ओ सी के। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब प्रूफ का मतलब क्या है कि वट एवर एग्जिम्स, वट एवर डेफिनेशन यू हैव लर्न अर्लियर, लेट अस यूज इट टू प्रूव इट, है ना, इसको दोनों को यूज़ करते हैं। तो अभी हमने एक एग्जियम पढ़ा है और उस एग्जियम में हमने क्या पढ़ा है कि ए बी एक रे है, राइट। लेट अस यूज द एग्जियम जो अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है
कि ए बी के हाँ यहाँ पर एक लाइन है और ओ डी क्या हो गया, एक रे हो गया। सो ओ डी रे स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो इसका मतलब कि एंगल एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, राइट ना। सी अगर इस एंगल और इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम के हिसाब से ये लाइन है और एक रे है। नाउ सी अगेन अनदर वन, इस बार दोबारा देखिए सेम चीज़ को हम दोबारा यूज़ करें। सी डी भी तो क्या है, सी डी एक लाइन है और ओ ए उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है। सो इसका मतलब कि एंगल डी ओ ए यानी ए ओ डी है ना, क्योंकि पहले हमने ए ओ डी लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग ए ओ डी लिख देते हैं। ए ओ डी और एंगल एंगल कौन सा रह गया हमारे पास, हमारे पास आ गया ए ओ सी, ए ओ सी इनका भी तो सम 180 होगा। क्या करेंगे कि वाई वी आर सेइंग, हम उस एग्जियम को बेस करके कर रहे हैं, तो या तो एग्जियम का नंबर है तो नंबर लिखिए और अदरवाइज मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन करेंगे कि ए बी इज ए लाइन एंड रे ओ डी स्टैंड्स ऑन इट, सो देयर फॉर दिस सिमिलरली सी डी इज ए लाइन एंड ओ ए रे स्टैंड्स ऑन इट, सो देयर फॉर। अब इन दोनों में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लाइट अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल पुट कर दिया। अब कैंसिलेशन लॉ से इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एंगल बी ओ डी इक्वल आ गया एंगल ए ओ सी के, ये हमें प्रूव करना था, एंगल बी ओ डी ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल एंगल बी ओ सी, सो हैंस द रिजल्ट, है ना, हैंस द प्रूफ, हैंस प्रूफ ये प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव एन एक्सरसाइज, इसके बाद जो है आपकी बुक में यहाँ पर एक एक्सरसाइज होगी, तो आपको क्या करना है कि उस एक्सरसाइज को हमें सिंपली सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी अपनी सिलेबस की प्रिपरेशन कर पाएंगे और साथ में थोड़ी बहुत हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल की भी जो वीडियोज़ हैं, सो इवन द जेई मेंस की भी वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ में जो मैथमेटिक्स के अदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, दैट मीन दिस चैनल इज टोटली डिवोटेड फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैनल पे मैथमेटिक्स की चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।